हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के फैशन सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से नेकलाइन नेक डिज़ाइन, एक सूट मटेरियल की, एक ड्रेस मटेरियल जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था एंड मैंने उस पर किस तरीके से उसमें डिज़ाइनिंग करवाई है वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। फेस्टिव सीजन आ रहा है, होली आ रही है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का आना जाना होगा, आप भी बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, सेफ्टी का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ध्यान रखना, तभी हम अपने परिवार की भी केयर कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको अपने केयर करने के साथ साथ अच्छा देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं जो स्टिच करा करके ही कपड़ों को पहनना पसंद करती हैं। फॉर ऑल दोस्त, अगर आपको नेक डिज़ाइन के आइडियाज़ चाहिए हैं तो मेरे चैनल पर आ रहे हैं कुछ बैक टू बैक वीडियोस जिसमें मैं आपके साथ में डिफरेंट डिफरेंट नेक डिज़ाइंस को शेयर करने वाली हूँ, डेफिनेटली जो न सिर्फ आपके लिए इस होली पर काम आएंगे बल्कि आगे किसी और ओकेजन पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर ये नेक डिज़ाइन आपको पसंद आती हो तो आप भी अपने टेलर से उसको स्टिच करा सकते हैं। ऑल्सो ये जो व्हाइट कुर्ती मैंने अभी वेयर करी हुई है ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज करी थी, बेवा का स्टोर है यहाँ पे तो मैंने वहीं से परचेज करी थी। ये बीपर ब्रांड की कुर्ती है, बहुत ही प्यारी सी इसमें डिज़ाइनिंग है, आप देख सकते हैं ये व्हाइट के साथ में जो है ब्लू कलर की डिजाइनिंग है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, कंट्रास्ट में बहुत ज्यादा उभर करके आ रही है। ये रॉयल ब्लू कलर की है ये डिजाइनिंग एंड ये पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। इसमें बॉर्डर पर भी बहुत ही अच्छे से इसमें काम हो रखा है, बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग एंड पैटर्न है तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है इस तरीके से। ये देखिए इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, ये बॉर्डर वाला भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कुर्ती है। अगर आपको भी इस तरीके की कोई चीज़ कंट्रास्ट में पसंद आती है तो बिल्कुल से आप भी परचेज कर सकते हैं अपने लोकल मार्केट से भी एज वेल एज। आपको इन कुर्तियों का लिंक आराम से मिल जाएगा बीबा के स्टोर पे ऑनलाइन भी, क्योंकि बीबा ऑनलाइन ब्रांड ऐसा है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, हर एक जगह पे अवेलेबल है, डेफिनेटली आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है मेरा वीडियो जिसमें आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक नेकलाइन, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कुछ स्पेशल सा फैशन सेगमेंट से रिलेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि आज फैशन सेगमेंट का ही डे है। जैसे कि मैंने मेरे चैनल पर तीन तरीके की वीडियोस के लिए ब्यूटी, फैशन एंड मोटिवेशनल के लिए डेज डिवाइड किए हुए हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर्स को बिल्कुल से पता होगा। तो आज है फैशन सेगमेंट का डे और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ अलग सा वीडियो। फेस्टिवल आने वाले हैं, होली आने ही वाली है, बिल्कुल होली में सभी नए कपड़े भी सिलवाते हैं, लोगों के घर मिलने जुलने भी जाते हैं, अच्छे से त्यौहार को मनाते हैं। मैंने भी बहुत सारी परचेजिंग करी है और इस फेस्टिवल के लिए मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने टेलर से स्टिच आउट करवाई हैं। किस तरीके से मैंने अपने खरीदे गए इस सूट मटेरियल को स्टिच आउट कराया है और किस तरीके का ये पीस निकल करके आया है, बस मैं यही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। तो ये वीडियो बस इसी के अराउंड है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसा है ये मेरा स्टिच ड्रेस मटेरियल। तो एंड ऑल्सो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ नया सा नेल आर्ट ट्राई किया है कुछ इस तरीके का, जिसमें मैंने रेड एंड ग्रीन दोनों ही शेड ले लिए हैं। एंड ये अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर किस तरीके का आपको लगा है। ये डिफरेंट डिफरेंट नेल स्टाइल्स मैंने करने स्टार्ट किए हैं एंड आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली दिखते रहेंगे कुछ ना कुछ अलग से नेल आर्ट्स। किसी भी नेल आर्ट की डिज़ाइन अगर आपको अच्छी लगे या कोई कॉम्बिनेशन पसंद आता है जो आप अलग से देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय द वे जो नेल पॉलिश ये वाले हैं ये कॉम्बो है फ्लिपकार्ट से जो मैंने परचेज किया था, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर जा चुका है, आप उसको देख लीजिएगा बिल्कुल से, और अगर नहीं आया है तो जल्दी ही आने वाला होगा, डेफिनेटली आप ट्यून रहिए उसके लिए। और ये कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और देखते हैं इस कुर्ती के बारे में। तो ये कुछ इस तरीके का ड्रेस मटेरियल है जिसमें कि व्हाइट बेस पे मरून और रेड के साथ में कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ गोल्डन कलर की इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी, काफ़ी अच्छा से ये पैच वर्क की कुर्ती है। एक्चुअली ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो है ये पूरा पैच वर्क है जो इसके ऊपर पैच बना हुआ है एंड ये जो है ये पूरा प्रिंटेड है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, ये कुछ इस तरीके से इसका पैच है कुर्ती, तो बेहद खूबसूरत है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने परचेज करी थी लोकल मार्केट से ही तो मैं इसका लिंक आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी, बट हाँ इस तरीके की कुर्तीज अगर आप पहनना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ट्राई आउट जरूर करिएगा, बेहद खूबसूरत लगती हैं, आप भी अपने लोकल मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं। इस तरीके की लेस इसमें नीचे पे लगी हुई है जो कि इसको कट प्रोवाइड करती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कुर्ती बनाती है इसको। ये पूरा पैच है, ये इतना बड़ा सा पूरा पैच आपको नजर आ रहा है जो कि इस कुर्ती पर है, व्हाइट
कलर आई सूदिंग कलर होता है, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट कलर है। बहुत ही खूबसूरत सी ये कुर्ती है। अगेन यहाँ पर एक ही दूसरा फ्लावर का पैच आपको मिल जाता है। जो मेन चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी वो है इसका नेक पार्ट। जो नेक पार्ट मैंने इसका बनवाया है ये आप देख सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत नेक पार्ट है। ये पूरी ऊपर से लेकर के पाइपिंग आ रही है, यहाँ से पूरे ऊपर से पाइपिंग आ रही है। ये पूरी पाइपिंग की डिजाइन है। यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं ये है सलवार का कपड़ा। सलवार है इसकी मरून कलर की, एंड उसी मरून कलर से ये पैच लेकर के अलग से ये नेक मैंने बनवाया है, अपने टेलर से बोल करके स्टिच करवाया है। एंड ये बेहद खूबसूरत कुर्ती लग रही है, पहनने के बाद में और भी ज्यादा औसम लगती है, खेल करके निकल करके आती है। इसकी सलवार है मरून कलर की, एंड इसका जो दुपट्टा है वो भी ऐसा ही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये है सलवार, ये है मरून कलर की सलवार। तो इसी यही कपड़ा जो है इसमें लगा है, पूरा स्ट्रेच होकर के आया है, ये आप देख सकते हैं, यही वाला कपड़ा लगा है। एंड ये इसका दुपट्टा है जिसमें कि सेल्फ प्रिंट हो रखा है, एंड साथ ही साथ इसमें जो है व्हाइट कलर का जो है इसमें बॉर्डर दिया गया है। तो कुछ ऐसा इसका ड्यूअल में दुपट्टा है। बेसिकली जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था वो था इसका नेक का डिजाइन, नेक का पार्ट। अगर आप भी अपने लिए स्टिच करवा रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में कोई सा सूट, अपने लिए ड्रेस मटेरियल कुछ लेकर के आए हैं, जिसको बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टेलर के सिले हुए कपड़ों को ही पहनना प्रेफर करते हैं, एज इट इज मार्केट से खरीदे हुए कपड़ों को पहनना प्रेफर नहीं करते हैं। फॉर ऑल दोस, अगर आपको ये नेक डिजाइन पसंद आ रही हो तो बिल्कुल से आप भी इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। अपने टेलर को बोल के आप इस नेक डिजाइन को स्टिच करा सकते हैं। बेहद खूबसूरत नेक डिजाइन है, बहुत ही अच्छी लगती है, और इस तरीके की जो ये नेक डिजाइन है ये कंट्रास्ट में किसी भी सूट में आराम से चल जाएगी। हर एक वो सूट जिसमें आपका कंट्रास्ट में सलवार जा रही हो उसमें इस तरीके की आप नेक डिजाइन बनवा सकते हैं। तो मुझे तो ये नेक डिजाइन बेहद पसंद आई, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की सोची, जिससे कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स अगर चाहें तो इस फेस्टिव सीजन में वो भी इस नेक डिजाइन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो आज का, जिसमें मैंने आपके साथ में एक डिफरेंट सी नेकलाइन शेयर करी जो मैंने अपनी टेलर से स्टिच कराई थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, फिर सरस सभी हेल्पफुल रहा है आपके लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।